युवाओं की कुर्बानी है। हम सब युवा हैं, हमारे जैसे हमारे जितने उम्र है उतने ही उम्रों के वीर हकीकत राय भी थे जिनके केवल 11 वर्ष में उनका सर कलम कर दिया गया। फतेह सिंह और जरावर सिंह का जिक्र अशोक जी ने किया, एक 6 वर्ष का था, एक 8 वर्ष का था। इस देश की एकता अखंडता प्रभुता को हमेशा संरक्षित करने के लिए युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी। आज जिस जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर हम सब रह रहे हैं, पूरे विश्व की उस जम्मू कश्मीर प्रदेश के ऊपर नजर है, और खासकर जिस क्षेत्र के अंदर हम अभी आज यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से ये क्षेत्र चर्चा में, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1990 में या 1990 के 10 वर्ष तक कश्मीर पूरे विश्व की चर्चा थी। वो चर्चा का विषय क्या था? दो विषय थे, एक तो लीडरशिप क्राइसिस इन कश्मीर फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी और दूसरा कश्मीर से पलायन। ये दो विषय हमने टच किए। जिस चीज का जिक्र सुनील जी ने किया कि चंद्रकांत जी ना केवल वहां पर अपना माइग्रेशन छोड़ के वहां पर रुके रहे और वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी को रुकने के लिए भी कहा, साथ ही साथ उनका नेतृत्व भी करते रहे कि हम लोग किस प्रकार से किश्तवाड़ में अपनी आइडेंटिटी को ना खोकर अपना भी बहुबल यहां पे दिखा सके। 1990 में जब कश्मीर से पलायन किया गया तो एक लीडरशिप क्राइसिस वहां पे जनरेट किया गया, जो समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर नेतृत्व करते थे। जिस प्रकार से किश्तवाड़ में हत्याएं हुई उसी प्रकार से कश्मीर में भी टीकालाल टपलू, ऐसे कई नाम हमारे ध्यान में आते हैं जिनकी हत्याएं कर दी गई, निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े सरे बाजार में मार दिया गया। ठीक उसी प्रकार से आज जम्मू सूबे के अंदर किश्तवाड़, डोडा, भदरवा ऐसे जिलों के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं नेतृत्वहीनता है, नेतृत्व की कमी है। हम उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो 15 से 20 से ज्यादा एक समाज को सही दिशा में आगे लेके जाने वाले नेताओं की, ये मैं शायद मेरे बुजुर्ग मेरे से इस बात में मेरी सहमति करेंगे कि आज अगर हम उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो पूरे किश्तवाड़, डोडा, भदरवा में 50 से अधिक नेताओं के नाम हमारे ध्यान में नहीं आएंगे जो समाज को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को अच्छे से लीड कर सके, उनको सही दिशा में आगे लेके जा सके। उसी का फायदा ये आतंकी संगठन उठाते हैं। सिलेक्टेड लोगों की हत्याएं करनी है, सिलेक्टेड लोगों को मारना है, उसके बाद जब समाज नेतृत्वहीन हो जाएगा तो निर्णय फिर जो वो कहेंगे वो हम लेंगे। आज ये नेतृत्वहीनता, नेतृत्व की कमी क्यों बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। अगर वो हम ठीक से समझे, युवाओं की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो हम ठीक से समझे तो शायद हम लोग इस सब को काउंटर करने के लिए खड़े हो। दो बातों का मैं जिक्र करूंगा, एक इंटरनल थ्रेट्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री और दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट्स। जिस प्रकार से सुनील सर ने बताया कि इंटरनेशनल डायस्पोरा में इंटरनेशनल प्रेशर को भी हमें समझना है, और दूसरा इंटरनल, जिस प्रकार से जेएनयू का नाम लिया तो ऐसी कई विश्वविद्यालय हैं, जादवपुर विश्वविद्यालय है, जेएनयू विश्वविद्यालय है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जहां पर इस प्रकार के नारे बहुत प्रचलित हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। इस प्रकार के नारों का अगर पुरजोर विरोध कोई संगठन करता है तो केवल और केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मैं इंटरनल थ्रेट्स पहले आप सबको बताऊं, उसमें विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका रही इतिहास से वो भी आप सबके सामने रखूंगा। जब उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत के तिरंगे की जगह काला काला झंडा लहराया गया तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया, और 26 जनवरी को जब वहां पर तिरंगा लहराया गया तो विद्यार्थी परिषद के 48 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। 48 कार्यकर्ता, आप जैसे छात्र, उनकी गोली
गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो क्या हम लोग रुके? नहीं। विद्यार्थी परिषद ने वहां लगातार संघर्ष किया। आज उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो एक बात है, परंतु तिरंगा यात्राएं भी आयोजित होती है। वहां का विद्यार्थी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। वो हमारी राष्ट्रवादी सोच की विजय थी उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर। जब जेएनयू के अंदर इस प्रकार के नारे लगे 2016 में 9 फरवरी को, जब उसको एक्सपोज किया गया सौरभ शर्मा द्वारा, उस समय जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, जब उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया कि यहां पे इस प्रकार के नारे लगते हैं 9 फरवरी 2016 को, तो क्या वो नारे उसी दिन लगे थे क्या? महिषासुर बलिदान दिवस, इस प्रकार के कार्यक्रम भी वहां पे किए जाते थे। अगर हम सब महिषासुर के नाम कहीं सुना है तो हमें ध्यान में आता है कि माँ दुर्गा को अपहरण करके रखा गया था महिषासुर द्वारा, और जब माँ दुर्गा ने उसका वध किया, उस वध को वहां के विद्यार्थी, दूसरी विचारधारा के हैं, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बात हुई, जो दूसरी विचारधारा के हैं, उसका बलिदान दिवस मनाया जाता है, मां दुर्गा का वहां पे अपमान किया जाता है। जब इस चीज का पूरी तरह से एक्सपोज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया, आज वहां पर वो दूसरी जो सोच के लोग हैं वो डरते हैं ऐसा कोई कार्यक्रम करने से। ये विद्यार्थी परिषद का संकल्प है हमारे देश की एकता, अखंडता और प्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए। जम्मू कश्मीर में जब 1990 में तिरंगे को जलाया गया कश्मीर के अंदर, सन 1990 में विद्यार्थी परिषद ने एक संकल्प लिया कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही हम करेंगे तिरंगे का सम्मान। तो लगभग पूरे देश भर से 1990 में 10,000 विद्यार्थी जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराना की एक भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। उधमपुर में उन्हें रोक लिया जाता है, परंतु ये एक उस समय नारा दिया गया डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट, क्योंकि जिस ट्रेन से विद्यार्थी आने वाले थे उस ट्रेन की एक बोगी को आतंकियों ने उड़ा दिया। लेकिन हमारी विद्यार्थियों की उस समय शायद स्वयं भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, जिस बोगी में ब्लास्ट हुआ वो बोगी खाली थी। इंटरनली अगर कोई इस देश की एकता अखंडता प्रभुता को बचाने के लिए लड़ रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ विद्यार्थी परिषद और संघ के सारे संगठन, सीमा पर फौजी, सीमा के अंदर इस देश की आंतरिक सुरक्षा की अगर किसी ने जिम्मेवारी ली है इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ली है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय जगत में देखें तो जो चीजें हमें कहीं समझने की जरूरत है, कहीं कंसेप्ट जो हमें समझने की जरूरत है, मुझे लगता है आप सब कॉलेज के विद्यार्थी और स्कूल के विद्यार्थी आने वाले दिनों में कॉलेज में जाएंगे और वहां हमें ऐसी कई विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी जो शायद हमारी इस जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता और भारत देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन जिस चीज की हमें जानकारी लेना जरूरी है, एक जिस प्रकार से भाई साहब ने बोला कोतवाल जी ने कि ग्रेटर कश्मीर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज, अरे क्या है, दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेटर कश्मीर। ग्रेटर कश्मीर यानी क्या? जहां पे इस्लामिक सोच के लोग बहुमत में। आज जिस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं उसमें पूरी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। गजवाए हिंद का द्वार जो है वो जम्मू कश्मीर है। गजवाए हिंद यानी क्या? गजवाए हिंद भारत को, भारत का इस्लामीकरण करना, उसका द्वार जिसे पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर है। तो उस गजवाए हिंद की फिलॉसफी सन 1990 में भी लगाई थी। जब रूस में गोर्बाचेव की सरकार आई सन 1985 में, तो 1985 में रूस सोवियत संघ कमजोर होने लगा और कश्मीर में आतंकी संगठनों का बढ़ना या आतंकी सोच का बढ़ना भी हम अगर सारे इतिहास के पन्ने खोले तो 1985 से लेकर 1990 के दशक में बढ़ा है, और 1990-91 में वहां से कश्मीर पंडितों का पलायन किया गया। उस समय सोवियत संघ कमजोर पड़ा, सोवियत संघ 1990 में टूट गया और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया क्योंकि सोवियत संघ की पकड़ अफगानिस्तान में कमजोर हुई और अफगानिस्तान में जो आतंकी संगठन चल रहे थे उनके जो आतंकवादी थे वो कहां पर मूव हुए?
वो कश्मीर के अंदर मूव हुए, कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा, जब यूएस ने वापस अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस लगाए तालिबान को कर्व करने के लिए, तो वापस जो यहाँ के आतंकवादी थे वो वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। और आज इस क्षेत्र में किश्तवाड़, डोडा, भदरवाह में, इस क्षेत्र में और कश्मीर में वापस आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान से यूएस वॉकआउट कर रहा है, अभी बातचीत चल रही है तालिबान के साथ, पाकिस्तान उसमें उसका पूरा सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान क्यों सहयोग कर रहा है? पाकिस्तान ने वहां पर जो आतंकी हैं उन्हें अपनी गजवाए हिंद की लड़ाई में ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड कट्स की फिलॉसफी को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में लगाना है, जहां पर लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट करने का प्रयास पूरी तरह से पाकिस्तान और ऐसे गैर जो मैं कहता हूं अलगाववादी संगठन है वो करेंगे। उसमें हम लोगों की क्या भूमिका है? विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका है? हम विद्यार्थियों की क्या भूमिका है? हमें वो तय करना है। और विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े बिना आप सब तय नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी परिषद समाज में नेतृत्व देने का काम करता है और वो नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं होगा। चंद्रकांत जी जिनका हमने जिक्र किया, चंद्रकांत जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। चंद्रकांत जी जब विद्यार्थी परिषद की अपनी जीवन से उन्होंने जीवन विद्यार्थी परिषद का जीवन खत्म हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर वो देश समाज के उत्थान के लिए आगे काम में बढ़ गए। समाज के हर वर्ग में नेतृत्व देना, जिस प्रकार से सर ने यहां पे बताया हमें कि आज ए सैट तक एंटी सैटेलाइट मिसाइल हम लोगों ने तैयार कर ली है भारत देश ने। आज हम सैटेलाइट में भी हम लोग अंतरिक्ष में भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अंतरिक्ष से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत की सेनाओं की मजबूती हम लोगों ने बालाकोट में देख ली है, उड़ी में देख ली है, लेकिन आज जरूरत जिस चीज की है वो समाज में ठीक प्रकार से नेतृत्व करने वाले युवाओं की है। संघर्षों के साए में बेखौफ जवानी पड़ती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। अगर युवा आज मैं माफी चाहूंगा जिस दिन अगर पबजी में पूरा दिन खोया रहता है, पांच पांच छह छह घंटे आप मोबाइल में घुसे रहेंगे, तो ये चीजें बहुत आसानी से होंगी, उनका जो एजेंडा है वो और आसानी से फैलेगा। युवाओं को नशे की ओर धकेले अंतरराष्ट्रीय साजिश है। जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के साधन नहीं है, जम्मू कश्मीर में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जम्मू कश्मीर बैंक की जॉब में से कर दीजिए क्राइटेरिया फिट, जिसमें जम्मू कश्मीर को एम्प्लॉयमेंट ही ना मिले। उसका विरोध कौन करेंगे? हम करेंगे, विद्यार्थी परिषद करेगा, आप सबका साथ चाहिए। पलायन करने के उन्होंने कई मेथड्स अपनाए हैं, अगर हम उसमें उलझेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो साइबर जो सर ने हमें बताया, चाहे वो साइबर क्राइम के, साइबर मीडिया के थ्रू, साइबर सेल के थ्रू वो हमें इन्वॉल्व करें, जिसमें गेम्स कहीं बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। युवा बाहर नहीं निकल रहा है, सोशलाइज नहीं हो रहा है, परेशानी बनी है। ड्रग्स, इस प्रकार की चीजें, हम सब इससे दूर रहें। और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को हम उसके साथ जुड़े, और केवल खुद ना जुड़े, अपने साथ अपने जितने भी मित्र हैं उन्हें भी इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि आए हम इस राष्ट्रवाद की जो एक यज्ञ चल रहा है महायज्ञ, उसमें अपनी भी आहुति थोड़ी सी दी। और जिस प्रकार का षड्यंत्र गजवाए हिंद के नाम से, जिस प्रकार का संगठन ग्रेटर कश्मीर में लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट करने के नाम से, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र इस डोडा जिले के अंदर, किश्तवाड़ जिले के अंदर करने का उनका प्रयास है, हम आप सबको सुनिश्चित करते हैं। मैं खुद जम्मू से आता हूं, लेकिन जम्मू के लोग, पूरे देश के लोग आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी कुर्बानी होगी, हम भी आपके साथ खड़े हैं, परंतु जो साजिश है वो पूरी नहीं होने देनी है, साजिश पूरी नहीं होने देनी है। हमने इनका जवाब तोड़ देना है, पुरजोर देना है, और ये साजिश कभी सफल नहीं होने देनी है। अंत का कारण मैं आपको बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसका कारण क्या है? केवल इस्लामीकरण नहीं, मुसलमान चाइना में भी खतरे में है, यूगुर्स के मुसलमान जिंजियांग में वो भी खतरे में है। क्यों पाकिस्तान उनके लिए अपने हाथ खड़े नहीं, अपने साथ क्यों नहीं देता है? जिंजियांग आप सर्च करिए, जिंजियांग में यूगुर्स के मुसलमान भी खतरे में है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में लगभग 1,00,000 मुसलमानों को डिटेन किया गया है।
क्यों नहीं बोल रहा पाकिस्तान के लिए, क्यों कश्मीर के या किश्तवाड़ के या डोडा के मुसलमानों के लिए इतना परेशान है वो, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू अबाउट द न्यूक्लियर वॉर, द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी द ऑयल वॉर, इट इज गोइंग टू बी द वाटर वॉर. एक ब्रिटिश डिप्लोमैट ने यह कहा, पानी की जंग है, पानी की लड़ाई है, इंडस वाटर. आज इस क्षेत्र से चंद्रभागा चिनाब जाती है, चिनाब का पानी, ऐसी छह रिवर्स जिनके पानी की लड़ाई चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच में. इंडस है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ऐसे कई छह मिला के कुल ये पानी की जो रिवर्स है इनकी, इनका पूरा कंट्रोल, इनका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान लेना चाहता है. अखनूर तक के क्षेत्र को टच करना चाहता है. अखनूर तक क्या चलती है, कौन सी नदी चलती है? चिनाब. चिनाब. उसके नीचे के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता. उसको चाहिए पावर. किसकी पावर? पानी की पावर. सिर्फ उसी के लिए पूरी जंग है. और आज आपको एक चीज बता दूं, जिस प्रकार से जॉर्डन में, जो एक कंट्री है, जॉर्डन में जब पानी की कमी हुई तो पानी की कमी के कारण से वहां पे पलायन होना शुरू हो. आपको एक पाकिस्तान की वाटर जो रिसर्च कमेटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2025 में पाकिस्तान के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे. अरे जो देश अपने लोगों को पानी नहीं पिला सकता वो पाकिस्तान भारत के साथ जंग करेगा, औकात है उसकी. हमें वो साजिश जिसके लिए की गई है पानी के लिए की गई है. और भारत बहुत ही, ये कहते हैं ना, सहनशील देश है, हम बहुत ही दयावान देश हैं. पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 17 बार आक्रमण हुआ, 18 बार वो हार गया. सहनशील थे, दयावान थे, लेकिन आज दया दिखाने का टाइम नहीं है. आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना है उसी प्रकार से हम जवाब देंगे. उन्हें पानी चाहिए, हमें हमारे देश की एकता अखंडता चाहिए. उस एकता अखंडता प्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए युवा अगर कुर्बानी दे सकते हैं, इस चीज अगर कुर्बानी देंगे इस चीज के लिए, तो ही ये सुनिश्चित हो सकते हैं, तो ही ये पॉसिबल है. तो आप सबको ये सभी कंसेप्ट कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. हम शहीद अमन ठाकुर जी से मेरा मिलना एक बार हुआ है. He was not a person to die. SOG में शामिल हुए, कहीं पे भी पोस्टिंग ले सकते थे. उनका एक छोटा सा बेटा, उनका कहीं पे भी शामिल हो, किसी भी इसी जगह पे पोस्टिंग ले सकते थे, लेकिन मिलिटेंसी खत्म करने के लिए वो प्रतिबद्ध थे. युवा थे ना. चंद्रकांत जी भी पलायन कर सकते थे, अनिल परिहार, रजीत परिहार जी भी पलायन कर सकते थे. पुलवामा में जिस प्रकार से हुआ वो लोग भी घर बैठ के आराम कर सकते थे ना. लेकिन नहीं, इस देश की यूनिटी हम लोगों ने बरकरार रखनी है. युवाओं की बहुत भूमिका है, हम सबका बहुत बड़ा रोल है. उस रोल को समझना है और उस रोल के ऊपर काम करना है. जितने मैंने आप सबको आज थोड़ी बातें बताई हैं, चाहे वो जिनजियांग मुसलमानों की हालत हो, चाहे वो ये वाटर वॉर हो, चाहे हमारे इंटरनल थ्रेट्स के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिपरिषद प्रतिबद्ध हो, उसके साथ आपके जुड़ने की बात हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आपके जुड़ने की बात हो, और क्यों जुड़ना है ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के साथ, आप सब तय करें. और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़े ही नहीं परंतु नेतृत्व करने की क्षमता भी अपने अंदर डेवलप करें. वो तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विद्यार्थी.